हेलो गाइस, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला ही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या लिख सकती हूँ कि कोस स्क्वायर, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी है। सबसे पहले कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये हमने लिया एलएचएस। अब स्टार्ट करते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई। अब यहाँ अप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, क्लियर। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स सरसमीय नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई सरसमीय नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इन दोनों में से 2 कॉमन लेके बाकी शेष ऐसा कर सकते, 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई लिखा जा सकता है। ये 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई का हो गया ना, तो कोस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, 1 प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। आप देखिए आगे 1 प्लस कोस एक्स माइनस वाई, यहां हमें कोस का वो फॉर्मूला करना है कि यहां हमारा एंगल ये 1 खत्म हो सके। इसके लिए देखिए अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है कि कोस 2x हो और मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये तो कर सकती हूँ। तो मैंने देखी यहाँ कोस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे ताकि यहाँ से 1 खत्म हो, यहाँ 2x है तो यहाँ क्या होगा एंगल आधा ही तो हुआ, तो यहाँ अप्लाई करते हैं तो 2 1 प्लस कोस, सॉरी ये माइनस है तो ये वाला प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है, कि कोस एक्स माइनस कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला हुआ ये प्लस के लिए। अब इसको देखिए अप्लाई करते हैं 2 कोस स्क्वायर, अगर यहाँ एंगल 2x है तो यहाँ एक्स हुआ यानी जो एंगल है उसका आधा हुआ, यहाँ एंगल एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई का आधा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई वाई 2, तो यहाँ मैं एक्स प्लस वाई ऑन 2 लिख सकती हूँ और ये माइनस का 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हमारे पास क्या था आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल किसके हो गया आर एच एस के, क्लियर।